एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने सादा सा ब्रेड पकौड़ा बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ इसी की वीडियो शेयर कर दूँ। क्या बोलती रहती हूँ, उल्टा सीधा कुछ ही बोल देती हूँ, मुझसे निकल जाता है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस समय दिमाग भी काम नहीं कर रहा है मेरा ज़्यादा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पिछले 2 दिन आप लोगों को कोई नई वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ। मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी 2, और वही वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं देख रही हूँ मेरे को पसीना आ रहा है गर्मी, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, क्योंकि तो आवाज़ बहुत घरघराती है, फ़ैन चालू रहता है, तो इसलिए मैं फ़ैन बंद कर रखी हूँ। और आपने उस वीडियो का बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और तो आज आप लोगों के साथ ही ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो बताइएगा गाइस ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दिया करिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए भाई, वीडियो देखिए आप लोग, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से शाम से बात कर रही हूँ, शाम को, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। तो आप लोग वीडियो देखिए, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए 1.5 कटोरी करीब बेसन लिया है, और हल्दी 1/2 चम्मच है, और 1.5 चम्मच करीब मैंने छोटा चम्मच लाल मिर्च लिया है। तो आप टेस्ट के हिसाब से अपने लीजिए, और नमक भी टेस्ट के अनुसार। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी, अच्छे से गोल बनाना है इसका, इसमें गुलटियाँ नहीं पड़नी चाहिए अच्छे से। ये घोल हमारा हो गया तैयार, देखिए इस तरीके से बनना चाहिए हमारा घोल, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। और फिर इसको 5 मिनट रख देना है, फिर मैं ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लेना है। तो मैं इस तरीके से सारे अपने ब्रेड को कट कर लूँगी, और फिर एक एक करके टिप करके मैं ऑयल गर्म करूँगी, उसमें फिर फ्राई कर लूँगी। तो आप इसी तरीके से अपनी सारे ब्रेड पकौड़ों को फ्राई कर लीजिए, और बस फिर हमारा ब्रेड पकौड़ा भी बन जाएगा। देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है, और आप इसे चाय और चटनी जिसके साथ खाना चाहते हैं वैसे खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर।